जब तक भारत लोटे में पानी पीता था कुछ परसेंटेज लोगों के पाइल्स थे, और जब से भारत के लोग गिलास में पानी पीने लगे 30-40% लोगों के पाइल्स हुए। इस लाइन ने मेरे जीवन को इतना बदला और इंडियन कल्चर के ऊपर मुझे इतना गर्व हुआ। उसके बाद मेरे भीतर से जो स्पंदन आए और जो मैं इसमें लगा ना, कहो बाप रे, जीवन में ज्योमेट्री और ज्यामिति का इतना बड़ा इम्पेक्ट है। तो पूरे विश्व को ज्यामिति तो दी भारत के कल्चर ने, भारत की फिलोसफी ने दी है, भारतीय दर्शन ने दिया है, भारत के ही सिस्टम ने ज्यामिति दी है। रिसर्च करते 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 फिर मैंने यंत्र देखना चालू किया। शोरूम पे, दुकानों पे, बिजनेस के मेन जगहों पे यंत्र मिलते हैं। चीजों को कनेक्ट करना चालू किया, डॉट्स बनाने चालू किए। वो कह रहे हैं कि लोटे में पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन को सिकुड़ाएगा नहीं, क्योंकि उसका सर्फेस टाइम जीरो होता है, और गिलास का प्रस्थ तनाव बढ़ा हुआ था इसलिए वो उसको सिकुड़ाता है। ज्यामिति, ज्यामिति दिया किसने? भारत ने। ज्यामिति मतलब क्या? ओहो, अरे रे, कुछ तो है कनेक्शन। तो फिर ये यंत्र क्यों रखे? ज्यामिति का ही प्रकार है। फिर ये वास्तु क्या? ओह माय गॉड, कोई ना कोई रूप में ये ज्योमेट्री है। फिर ये दाब, ये ताप, ये ओ, ये सब कुछ तो कनेक्शन। फिर मैंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चालू किया। मैंने कहा, भारत की माँ 5,000 साल से कह रही है बेटा बिस्तर समेटो, तो भारत का बच्चा इसलिए नहीं समेटता कि माँ वापस आके इसी में सोना है, तो मैं समेट के करूंगा क्या, यहीं पे रहने दो। कुछ समेटते हैं तो दुख से, कुछ तकलीफ से, कुछ ये नहीं। फिर अमेरिका के एक विलियम्स ने कहा, सुनो भाई, मैंने एक बुक लिखी, उसका नाम है मेक योर बेड, बिस्तर समेटो। शुरू शुरू में तो 1100 रुपए में बिकी होगी। भारत के लोगों ने कहा, वाह वाह, बिस्तर समेटो पर बुक आ गई। हाँ, उसने कुछ तो भारत से कनेक्शन होगा, उसने भारत के कल्चर को रिसर्च किया होगा। उसने अपनी किताब के मर्म में जब बताया, मेरा दिल इतना बड़ा हुआ रे कि भारत के कल्चर ने क्या दिया। उसने कहा, जब भी कोई इंसान अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत डेली किसी एक टास्क को कंप्लीट करके करता है, उसके जीवन की सारी टास्क कंप्लीट होती है। ओहो, भारत में जिन लोगों ने सुना, उन्होंने तालियां बजाई। मैंने कहा, 5,000 साल से माँ कह रही थी, वो बेचारी यूनिफॉर्म मॉडल में नहीं कही, उसने साइंटिफिक तरीका नहीं बताया, तो तुमने नहीं माना, लेकिन ये कह तो भारत का कल्चर वर्क्स, इसका मतलब। फिर उसके बाद में मैंने देखा, भारत का हर कस्टम, हर कल्चर, हर छोटी छोटी प्रथा, हर एक घटना के पीछे कारण है। रिसर्च इतनी तेज गति से लगाई कि भारत में एक माँ, एक दादी नानी जो नजर उतार रही है, वो भी अनसाइंटिफिकली नहीं है, वो भी अतार्किक नहीं है, इलॉजिकल नहीं है। उसके पीछे भी आपके शरीर में जो सूक्ष्म मोरा है, जिसे अग्नि स्नान कराने से एनर्जी नष्ट होती है। फिर तो मैंने कहा, भारत के कल्चर की हर एक परंपरा, हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी, भारत की माँ कह रही है मंदिर जा बेटा, 5,000 साल से कह रही है मंदिर जा, वो नहीं जा रहा। खबर लगती है कि वहां की जो ज्यामिति है, वो घर की ज्यामिति से पूरी तरह से डिफरेंट है। घर में छत है जो यहाँ के इस गुरुत्वाकर्षण को पर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स पर ताकत लग रही है, और वहां पे छत ही नहीं, वहां दीवारें ही जाके अपना रूप धारण कर रही है छत का, इसलिए वहां अपनी कोर से कनेक्ट होता है। मैंने ये एक बात में 2 मिनट लगा दी कि भारत का एक सिखाया हुआ लेसन पूरे विश्व ने अलग अलग तरीके से सीखा है, ज्यामिति क्या है। तो अगर मैं आपको ये केवल एक कल्चर, एक इंडियन कल्चर की ज्यामिति को उठा के ये 10 एग्जाम्पल दिया, तो भारत की छोटी छोटी परंपराएं, प्रथाएं और कस्टम्स, इनका कितना गहरा संबंध है आपके जीवन से। दिवाली पे पहले आंगन होते थे और अपन बाहर आकृतियां बनाते थे, याद है ना आपको? आंगन ही खत्म हो गए तो आकृतियां कहां रहेगी? वो हर आकृति किसी न किसी शुभ यंत्र को रिप्रेजेंट करती थी, हर आकृति कुछ आकर्षित करती थी। आज भी आप पान के पत्ते को भरी हुई बाल्टी में, पानी की बाल्टी में पटक दो, उसका डंठल नॉर्थ में जाता है। इसका मतलब वनस्पति प्रकृति को कनेक्शन करती है। रुद्राक्ष को बिस्तरों पे, फैले हुए बिस्तरों पे लटका के देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। अगर सही समेटे हुए बिस्तरों पे लटकाते हैं, क्लॉकवाइज मूव करता है। और वनस्पति जीवित है, ये स्पंदन को पकड़ रही है, यही ज्यामिति को पकड़ रही है। मैंने तो अभी एक ही बोला राहुल जी, ज्यामिति। अगर भारत के हर कल्चर के ऊपर बात करें तो घंटों लग जाएंगे। हर कल्चर में एक विज्ञान है, हर कल्चर में एक साइंस है, हर कल्चर में मानवता को उठाने के लिए पर्याप्त मूल्य हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो बहुत, मेरा एक वीडियो है परंपराओं के ऊपर, आधे घंटे से ज्यादा बोला है, सेशन से हटके ही चला गया। सारी ऑडियंस कहती है सेशन बंद, पहले इस मैटर में बात करो। तो मुझे पूछते चले गए, भूत है क्या? मुझे पूछते चले गए, ठीकरी का क्या रोल है, वो चौराहे में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तक चले गए एक एक चीज के ऊपर। ये बिल्ली का चक्कर क्या है जो आज तक काट रही है, ये क्या है, ये घोयरा काट रहा है तो क्या है, ये नेवला काट रहा है तो क्या है। मैंने तो इस पे पूरे प्राणों से, जहां से जो मिला जीवन में, उसे खुद ने कलेक्ट किया, अपनी जितनी मेरी बुद्धि और विवेक है उनसे मैं साइंस तक पहुंच पाया। भारत का कोई भी कल्चर,
कोई भी कल्चर अधूरा नहीं है, वो किसी न किसी चीज को सैद्धांतिक रूप से साबित करता है।